एक शेर है अल्लामा इकबाल का कि मंजिलों से आगे मंजिलें तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। और यही सीखा है अपने बड़ों से, अपने दादा अपने अब्बू से। बिल्कुल, एक जज की जो पोजीशन है वो बहुत अहम होती है कि वो इम्पार्शियल हो, किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राघिब राणा और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज हम पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर में, और ज़िला सहारनपुर में आज हम देहरादून चौक पर मौजूद हैं। यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं हम, ये एक बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ में जो अभी कल ही जिनका रिजल्ट घोषित हुआ है, रिजल्ट आया है, उनका नाम है हिना कोसर। आपको बता दूँ, आपको सुन के बड़ी खुशी होगी, हिना कोसर का नंबर आया है जिला जज में। पहली मुस्लिम लड़की जिला जज सहारनपुर से बनी है और इसकी खुशी इतनी हो रही है कि पूरे जिले वासियों को इतनी खुशी हो रही है, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर और अलग अलग साइटों पर इनका प्रचार भी किया जा रहा है। इसी संबंध में आज हम सहारनपुर पहुँचे हैं और हमारे साथ में हिना कोसर जी मौजूद हैं। हम सबसे पहले तो मिल्लत टाइम्स न्यूज़ चैनल की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करेंगे। जी, मिल्लत टाइम्स न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको जज बनने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया आप सबका, मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अपने रब का ही करना चाहूँगी कि उसने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा है। मेरी पूरी पेरेंट्स, मेरे दादा दादी, मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स, मेंटर्स और जितने भी लोग ने किसी भी शक्ल में जो भी मुझे सपोर्ट किया है, मेरा साथ दिया है, उन सब के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, ये जज बनने का जो सफ़र है आपका, ये सफ़र कैसा रहा? जज बनने का सफ़र हो या किसी और राह में, आप कोई भी जब एम चूज़ करते हैं तो आसान तो नहीं होता, लेकिन लगातार मेहनत से, हौसले से, सब्र और यकीन के साथ लगातार कोशिशें करो तो कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक शेर है अल्लामा इकबाल का कि मंजिलों से आगे मंजिलें तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। और यही सीखा है अपने बड़ों से, अपने दादा अपने अब्बू से, और उसी तरीके से कोशिश की है। तो ज़्यादातर आपको किसका सपोर्ट रहा? वालिदैन का सपोर्ट रहा, परिवार का सपोर्ट रहा, असातिज़ा का सपोर्ट रहा? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरी साथ मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरे वालदैन, मेरे दादा दादी सब, मेरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और मेरे टीचर्स, मेरे मेंटोर्स, मेरे सीनियर्स, सबका साथ रहा है, मेरे फ्रेंड्स का। और ये क्रेडिट भी मैं सभी को देना चाहूँगी, चूँकि सबका हाथ शामिल होता है उसमें। तो मैं सभी को, यस आई एम ग्रेटफुल फॉर देम, और मैं सभी को थैंक्स कहना चाहूँगी। जुडिशियल पर भी आजकल बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, तो ऐसी हालात में आप किस तरह से इसको कंटिन्यू रखेंगे, किस तरह से आप चलेंगे? बिल्कुल, एक जज की जो पोजीशन है वो बहुत अहम होती है कि वो इम्पार्शियल हो, किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं निष्पक्ष होकर जो भी मेरी जिम्मेदारी है उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकूं, फेयरनेस के साथ। और इसी जो भी मैंने मेहनत की है, यही सोच के मैं आई थी कि मुझे कंट्रीब्यूशन देना है सोसाइटी में, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का पार्ट बन के, और वही कोशिश जारी रहेगी। ट्रेनिंग के दौरान चीज़ों को सीखा जाएगा और समझा जाएगा, और बेहतर से बेहतर हर स्टेज पे मैं परफॉर्म करने की कोशिश करूँगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगी, युवाओं को और बेटियों को, बहनों को क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज जो भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, सभी के लिए यही है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गांव से हैं, आप शहर से हैं, आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, लेकिन इरादा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर इरादा मजबूत है तो फिर कोई चीज़ आपको आपकी मंजिल तक पहुँचने में रोक नहीं सकती। हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो मेहनत, सब्र के साथ, यकीन के साथ, कोशिशें करने से हर मंजिल को पाया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ में हिना कोसर, और आपने सुना है किस तरीके से इन लोगों ने कितनी मेहनत करके इस परीक्षा को पास किया है, और आगे भी दौ की तलबगार हैं, मेहनत जारी है।
और सबसे गुजारिश ये है कि अपने बच्चों को एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा दिलाए, अपने बच्चों को पढ़ाए। और ये जो इनकी फैमिली है, पूरी की पूरी फैमिली वकीलों की फैमिली है, अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली है और गंगो की मशहूर फैमिली है। ऐसा नहीं, सभी लोग अच्छे से इनको जानते हैं। इसी वजह से आज पूरा गंगो नहीं, पूरा जिला सहारनपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इनका चर्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके वालिद साहब भी जो है इसमें विकास भवन में जो है लीगल का काम देख रहे हैं। और इनके जो दादा हैं वो भी जो है, दादा भी सीनियर एडवोकेट रहे हैं, यानी कि पूरी फैमिली जो है इनकी एक। गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं चार जबानों में न्यूज, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।